असलम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के सेशन में मौजू है प्रोनाउंस यानी वो अल्फ़ाज जो हम नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में जैसे कि ही शी इट दे देम वग़ैरह कुछ मिसालें ये हैं इनकी आई यू ही शी इट दे उसके अलावा माय योर हिज़ हर देयर जिसमें कि ओनरशिप दिखाई जा रही है या किसी चीज़ का ये बताया जा रहा है कि किसको बिलोंग करती है वो प्रोनाउंस होते हैं इन स्टेड ऑफ सेंगे हर दफ़ा आप कहें उजमाज बुक आप कहेंगे हर बुक एक दफ़ा कहने के बाद ठीक है और आई एम श्योर यू सीन हाउ दिस इज़ यूज एज वेल उसके बाद मी हिम हर हिम अस दम तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं कुछ इसकी मिसालें कि ये कैसे यूज़ हो सकते हैं द मोमेंट अहमद हर्ड द डोर हैंडल टर्न ही टर्नड ऑफ द टी वी उसके कोई शायद पेरेंट्स आ गए या कोई आ गया तो उसने जल्दी से टी वी बंद कर दिया तो इसमें भी जैसे बाकी ग्रामर की डिवाइस हैं दर इज़ अ करेक्ट वे टू यूज़ इट दर इज़ अ इनकरेक्ट वे टू यूज़ इट और उसके अलावा फिर यू कैन गो क्रिएटिव विद इट एज़ लॉन्ग एज यूर बीग करेक्ट तो इसमें इसी तरह ये जुमले को अगर पलट के भी लिखें तो वो भी करेक्ट हो गए एंड दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेंग इट बजाय इसके कि आप उस तरह सीधा सीधा लिखें आप लिख दें द मोमेंट ही ही हर्ड द डोर हैंडल टर्न पहले आपने प्रो यूज़ किया अहमद टर्नड ऑफ द टी वी तो प्रोनाउन पहले भी आ सकता है और नाउन बाद में ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही पहले आए पहले ही अहमद हो और फिर दूसरी बार में आप ही कें तो इसको आप पलट के भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि निशानदही तो हो ही जा रही है आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है हु इज़ ही अहमद तो उसी सेंटेंस में आपने ये बता दिया बेशक शुरू में बताएं या आखिर में उसके अलावा ये कि प्रोनाउंस ऐसे यूज़ नहीं होने चाहिए कि रीडर कन्फ्यूज़ हो जाए जैसे ये जुमला सुनिएगा इट वॉज शीनाज बर्ड डे नीलो गेवर अ ब्लू कार्डेगन ईवन दो शी हैल्फ यट शी गेव इट टू हर अब इसमें शी शी हर बहुत सारा हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही तो ज़रूरत है कि बीच में कोई सा नाउन दोबारा से यूज़ कर लें ताकि कुछ पता लगे कि क्या हो रहा है इट वॉज़ शीनाज बर्थडे नीलो गेव हर अ ब्लू कार्ड एगन ईवन दो शी हैड लाइक इट हर सेल्फ यट शी गेव इट टू शीना तो शीना का नाम आ गया इससे हमें पता लग गया कि जो जिसने दिया है वो नीलो की बात हो रही है सो टू मनी प्रो नाउन्स ऑल्सो मेक्सिंग्स कन्फ्यूजिंग हाँ ठीक है आपने नाउन्स बार बार यूज़ नहीं करने बट यू हैव टू यूज़ देम टू दी एक्सटेंट कि पढ़ने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए अच्छा कुछ जो है प्रोनाउंस प्रॉपर नाउन्स को जब हम यूज़ करते हैं तो बार बार एक ही नाउन यूज़ करने की बजाय हम उसको किसी और तरह से भी कह सकते हैं अक्सर ये प्रोनाउंस में स्ट्रिक्टली नहीं आता लेकिन क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि नाउन को रिपीट करने के अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं तो उसमें ये मैंने डाल दिया हालांकि ये टेक्निकली प्रो नाम नहीं है तो अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं इस्लामाबाद के बारे में सो यू कैन से इस्लामाबाद गॉट रिकॉर्ड रेंस दिस समर अब आपने अगले जुमले में दोबारा से इस्लामाबाद नहीं कहना तो आप कहेंगे द वेदर इन द फेडरल कैपिटल हैज़ बिन प्लेजेंट ड्यू टू द रेंस तो पहले आपने इस्लामाबाद का दूसरी बार आपने देर कहने के बजाय आपने द फेडरल कैपिटल कह दिया ठीक है या द सिटी नेक्स्ट टू द मरगलाज कहते हैं या आप कोई और चीज़ कह सकते हैं इसी तरह अगर आप जैसे सिंगर नूरजहाँ की बात करें सिंगर नूरजहाँ हैज़ गिवन अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ सॉन्ग्स टू पाकिस्तानी सिनेमा शी रिमेंट पॉपुलर फॉर डे इवन आफ्टर हर डेथ द सिंगिंग डीवा शी के बजाय हमने इस दफ़ा सिंगिंग डीवा यूज़ कर लिया द सिंगिंग डीवा सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी एन्जॉयड तो ये इस तरह से भी आप उसकी कोई और उस शख्स का नाम बार बार लेने के बजाय प्रो यूज़ कर सकते हैं या नाम बार बार लेने की बजाय कोई आप उसकी डिस्क्रिप्शन या कोई इंटरेस्टिंग टाइटल उसका जैसे यहाँ पे हम मलका uh, चरनम या द मेलेडी क्वीन भी यूज़ कर सकते थे नूरजाँ के लिए विच इज़ अ नेम बाई विच इज लविंगली नोन आल्सो कुछ कॉमन एरर्स अहमद एंड मी वेंट टू द एयरपोर्ट जब दो लोग होंगे तो एंड मी नहीं यूज़ होता उसमें यूज़ होगा अहमद एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट ये भी एक गिव अवे है ये एकदम से इससे पता लग जाता है कि किसकी इंग्लिश पे कमांड बेहतर है किसकी कमज़ोर है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एरर कुछ एडिशनल टिप्स हैं ही और शी कैन बी यूज फॉर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कुछ मिसालें ये हैं जैसे कि अपने मुल्क की जब बात हो या किसी कश्ती की या किसी गाड़ी की उसके लिए शी भी इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इट ही कहें वैसे तो आपको अगर रूल्स पढ़ें तो यही होगा ना कि ही शी इंसानों के लिए और इवन जानवरों के लिए या चीज़ों के लिए इट यूज़ होता है लेकिन उनमें भी कई दफ़ा आप ही और शी यूज़ कर सकते हैं स्पेशली शी इज़ यूज मोर जो चीज़ें स्पेशली जो चीज़ें नर्चरिंग हैं जैसे कि आपका होम लैंड है मदर लैंड भी उसको कहते हैं तो उसके लिए फिर शी या हर के आप प्रोनाउंस uh, यूज़ कर सकते हैं बच्चों के टॉयज़ हैं टेडी बेयर्स हैं यू कैन ट्रीट दैम लाइक देयर लिविंग थिंग्स एंड यू कैन टॉक अबाउट दैम इन दैट वे दे इज़ नाउ यूज वेन द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट नोन तो अगर वो सिंगुलर भी है तो अगर एक शख्स भी है तो उसके बारे में अगर बात करें तो आप ही uh, या शी के बजाय आप दे यूज़ करेंगे क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है जैसे अगर कोई मेरी चीज़ गुम गई हो तो मैं कहूँगी हुएर टुक माई बुक आई रिक्वेस्ट दैट दे ब्रिंग इट बैक टू मी वो एक शख्स ही लेके गया है मेरी चीज़ लेकिन मैं दे कहूँगी बजाय ये कहने रहे कि ही ब्रिंग इट बैक या शी ब्रिंग इट बैक बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एम्प्लाय मैं ये नहीं कहना चाह रही कि किसी आदमी नहीं लिया या किसी औरत नहीं लिया तो इस तरह से ये क्योंकि वैसे पिछले वक्त तो मैं ये ग्रामर के हिसाब से गलत समझा जाता था लेकिन अब ये लैंग्वेज में एक्सेप्टेड है और आप इस तरह इसको लिख सकते हैं जैसे ये एक मिसाल भी है हुएवर हैज़ माई बुक कैन दे प्लीज स्पीक अप तो ये सारी बातें हैं प्रोनाउंस के बारे में और वी होप यू इंजॉय द शो थैंक यू